हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक नया साल, एक नया दिन, एक जिंदगी के साल कम हुए उसका दुख और एक जिंदगी का नया वक्त शुरू हुआ उस पाती खुशी। तो विश करते हैं हम आप सबको शालिमा एक खूबसूरत कहानी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ऑल ऑफ यू एंजॉय एंड सारी पुरानी गले से कोई को भूलते हुए एक नई शुरुआत जिंदगी का, एक नया खूबसूरत जिंदगी आप सबका इंतज़ार कर रही है। बीते बिसरे दिन आपके ज़िंदगी के सबसे बुरे अच्छे और दिन वो होंगे, तो कुछ अच्छे वक्त को याद करते हुए, कुछ बुरे वक्त से सीख लेते हुए जिंदगी में हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पिछली ज़िंदगी में जो गलती की, आने वाली ज़िंदगी में वो गलती नहीं करेंगे। तो ये हो गया, और भाई जितना ज्ञान देना था मैंने दे लिया। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसी हैं आप सब? तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आप सबको एक तोहफा दे ही दूँ, मतलब थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग कर दूँ। भैया आप सभी तो बड़े इंतज़ार, दिल को बेकरार, भैया दिल को थाम के सुन रहे हो, है ना, है ना, है ना? तो चलो हम आपके दिल की करार, रातों की नींद वापस कर देते हैं। तो सुनाते हैं आप सबकी क्या क्या ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क। इससे आपको पता तो चल गया होगा कि इस मोहब्बत की कहानी ऐसी है कि हर शब्द हर लम्हे में इनके मोहब्बत पे क्वेश्चन मार्क लगा है और हर किसी ने लगाया है। तो एक और न्यूज़, मैं जो काबिल स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी तो उस स्टोरी को मे बी मैं थोड़े देर में पोस्ट कर दूँ, तो आपको मिलेगी स्टार्टिंग की स्टोरी कैसी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए, लिखा हुआ चाहिए। अगर जो नहीं लिखा ना तो 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 देख लूँगी मैं, ठीक है? अभी अभी इतना ही, अब इसको धमकी या क्या कहते हैं वार्निंग समझ लीजिए आप सब। सुनना है और अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लो यार, 71 हो गया, 971। और अभी पता है ना 29 लोग, यार 29 लोग, पता है 46% लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी स्टोरी सुनते हैं, और सिर्फ मात्र 56 लोग, सॉरी 54 लोग बस करके सब्सक्राइब करके सुनते हैं। तो क्या चल रहा है, कुछ तो करो। अरे यार ठीक है, तो चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ और प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं कि जो कि हमारी रैना और अवेंची में कुछ कुछ होते हुए रह जाता है, और अवेंची सोच लेती कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो क्या करेंगी हम आगे स्टोरी में जानेंगे, और उनकी आधी अधूरी बात किसने सुनी है वो भी जानेंगे। तो इधर आगे देखते हैं, इधर ये बाहर निकलते वक्त वो टकराती हैं, तो वो जिससे टकराती हैं वो उनकी सासू माम होती हैं। तो सासू माम मतलब जया जी, समझ ही गए होगे किसकी बात कर रही हूँ। तो वो दोनों टकराते हैं और कहती हैं बहू इतनी जल्दी में कहाँ हो, तो कहाँ, कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी आ, 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 फिर वो पल्लू सर पर रखती है, फिर उनका पैर छूती है, तो कहती हैं कि तुम मतलब ऐसे क्यों हो, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि माँ माँ बहुत सी सास ऐसे चाहती हैं कि उनकी बहुएं ऐसे करें और मैं कर रही हूँ तो आप खुश नहीं हैं। कहते हैं कि सदा सुखी रहो, खुश रहो, मगर मुझे ना मेरी रहना जैसी है रियल में वैसी पसंद है, ये सर पे पल्लू घूंघट या तुम्हें पैर छूने की ज़रूरत नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ है। तो
कहती उसको गले लगा लेती है, तुम गले लगो ठीक है, बहू नहीं बेटी हो मेरी। तो कहती कि बट तुम इस कमरे से निकल रही हो, तुमने तो सामान उस कमरे में रखवाया था। तो कहती है वो माँ वो आंखें नचाने लगती है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और हाथ ऐसे मसल रही होती है जैसे कि अभी तो डालेगी। तो कहती कि बहू क्या हुआ। तो कहती कि वो माँ कहती कि आगे बोलो। तो तब तक आयशा आ जाती है, वो भाभी को दी ने बुलाया था इसलिए भाभी मैंने जाके बोला था भाभी को। तो कहती थैंक गॉड बचा लिया। तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा देते हैं और कहते हैं हाँ माँ और इन्होंने बुलाया था तो मैं गई थी, उनको कुछ चाहिए था, उनको मिलने रहा था। तो कहते हैं कि अभी अभी आई हो, कैसे उसको नहीं मिला था, इसके पहले तो वो अपना सामान खुद ही रख रही थी, जमा रही थी। तो कहती हैं कि ठीक है ना माँ, अभी मैंने दे दिया तो क्या दिक्कत है। कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, चलो नाश्ता कर लो, मैं नाश्ते के लिए ही बुला रही थी। आयशा को बोलते हैं कि जाके बोल दो अपनी बहन को नीचे आ जाए नाश्ते के लिए। कहते हैं कि जी माँ मैं बोलती हूँ। देखो तो इधर हमारी अफेंशी चली गई होती है वॉशरूम में, तो आयशा बाहर से ही आवाज़ दे देती है कि दी दी। तो कहती है कि हाँ मैं वॉशरूम में हूँ। तो कहती है कि नाश्ता रेडी हो गया है, वॉश फ्रेश हो गया, आ जाओ नीचे। कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आयशा बोल के चली जाती है, वो अपने सासू माँ के साथ साथ चली जाती हैं। सब नाश्ता वगैरह रेडी करके सब डाइनिंग टेबल पे लग चुका होता है। वो जाती हैं, दादा दादी का पैर छूती हैं। दादी कहती हैं कि सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। उनके दादाजी हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो ना पूतो फलो, पर बाकी तो ठीक था, पूतो फलो कैसे। तो उनकी जो दादी होती हैं वो अपने उनके दादाजी को कोनी मारती हैं। कहती हैं क्या बोल रहे हो। तो कहते हैं कि क्या बोलूँ, अब ये शादीशुदा है तो यही बोलूँगी बोलूँगा ना। तो कहती हैं कि रहने दो, तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। तो ऐसे बोल के कहती हैं बेटा चलो बैठो, सब लोग नाश्ता करो। आशीष भी आ जाता है कि वो आशीष का भी पैर छूती है। कहती कि भैया ठीक है आप। तो ये हाँ, और आशीष बोलते हैं कि तुम ठीक हो रहना। कहते हैं हाँ, और आपने खास कर बुलाया तो इसलिए मैं चली आई आपसे मिलने। तो कहते हैं कि चल झूठी, अच्छा मुझे आलू के पराठे खाने, प्लीज़ प्लीज़ ना तुम्हारे हाथ के। तो कहते हैं कि ठीक है भैया शाम को। तो तुम अब तो नहीं जाओगी ना। तो कहते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है तब तो मैं आराम से खाऊंगा, तुम शाम को नहीं कल ही मॉर्निंग बनाना रहने दोगे। ऐसे बोल के वो नाश्ता करने लगते हैं और तब तक हमारी खूंखार सहेली अड़ियल खरूस, हमारी राना की दिल की करार सीढ़ियों से उतर रही होती है। तो उनको देखती हैं वाइट शर्ट और ब्लैक कोट और पैंट में और आंखों पर चश्मा, बाल को पोनी किए, हाथ में लैपटॉप का पैक और एक हाथ से फोन चलाते हुए आ रही होती हैं। तो कहती हैं कि ये अड़ियल खड़ूस इंसान कभी नहीं सुधर सकता, देखो मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं और ब्लैक एंड वाइट ही पहनना है हमेशा, बोर भी नहीं होना है। आज तो मैं ना इनको देखो मैं बताती हूँ। तो जब वो उतर रही होती है तो वो कहती हैं कि नीचे भी देख के चल लो, आप फ़ोन में ही देखे जा रहे हो, फ़ोन कहीं भाग नहीं रहा। कहती क्या बोल रही हो रहना। तो उनको एक लुक इंटेंस होके देखती हैं। तो फिर उनको ऊपर से नीचे तक देखती हैं और फिर कहती हैं कि अच्छी लग रही है, ऐसा बोल के वो चली जाती है और एक पल के लिए फिर से रहना एम्बैरेस हो जाती है, मतलब अपनी नज़रें झुका लेती है।
जाती हैं, वो अपने फ़ोन में लगी हुई होती हैं, नवकांक्षी कुछ मैसेज का रिप्लाई कर रही होती हैं। और इधर रवि, कंगना और जो उसका स्नेहा का जो बॉयफ्रेंड होता है जय, वो मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग अवयांशी को मारने के लिए कर चुके होते हैं। इधर अवयांशी का ये घर पे बैठ के मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है, और जो डैना होती है उनके प्लेट में खाना सर्व कर चुकी होती है और उनके फ़ोन रखने का वेट कर रही होती है। तो तब तक वो फ़ोन हाथ से छीन लेती है और कह रही खाना, तो गुस्से में देखती है तो चुपचाप हमारी रैना को देख के नीचे नज़रें नीचे करके फिर वो खाने लगती हैं। कहने किसी में बोला ये अपनी इज्जत बचानी है, घर वालों के सामने चुपचाप खा ले बेटा अवयांशी, वरना ये इज्जत उतार देगी मेरी। तो वो खाती हैं और आयशा कहती है अरे वाह दी, आप तो गुस्सा नहीं हुए, भाभी ने फ़ोन ले लिया फिर भी, नहीं तो आप तो फ़ोन कोई ले लेता है तो आप गुस्सा हो जाती हैं। तो ये देखिए बेटा चुप कर जा, चुपचाप खा, नहीं तो मैं तेरे पे बताऊंगी, ठीक है? ऐसे हंसते हुए बोलती हैं खा। तो ऐसे ज़्यादा रिएक्शन देख के उनकी जो माँ जो होती है चाची, वो हंस पड़ती हैं। और तो ये सब देख के उनके दादा दादी भी हंस पड़ते हैं, क्योंकि अजया जी पहली बार कभी इतने वक्त के बाद रहना देखती है कि वो अवंशी की बातों पे हंस रही हैं। और अवंशी भी एक पल के लिए अपनी माँ की तरफ देखने लगती हैं, तो कहती हैं कि कुछ नहीं, वो मैं मुझे कोई बात याद आ गई इसलिए खाओ आप सब। अवंशी खा रही होती है तो रैना को बोलती हैं कि रैना तुम भी बैठो, उनकी सास बोलती हैं। तो कहती हैं कि जी माँ, वो बैठ जाती हैं और खाना खाने लगती हैं, तो साइड में ही बैठी हुई होती हैं। तो जो हमारी अवयांशी होती हैं उनको शरारत सूझती है, वो जब प्लेट रख लेती हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं तो उनके कमर पे जो हमारी अवयांशी होती हैं हाथ रख लेती हैं। तो वो तो एकदम सन अचानक से उनका हाथ महसूस होता है, और ऐसे जो हाथ में जो सब्जी का जो करछी उठाई हुई होती है वो वैसे ही पोज हो जाता। तो कहती हैं उनकी सास क्या हुआ अवयांशी, सॉरी रैना? तो कहती हैं कि कुछ नहीं माँ कुछ नहीं, क्या होगा कुछ नहीं, आप खाई खाइए ना। तो कहती हैं कि तुम ठीक हो ना, सुबह भी हकला रही थी अभी भी हकला रही हो। तो उधर से आयशा जवाब देती है कि माँ दी भाभी के कमर पे हाथ रखी हुई है इसलिए। तब सब हंसने लगती है, और कहती है कि हमारी अवयांशी फट से हाथ हटा लेती है और कहती है कि महबू मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं जाती हूँ, और जल्दी जल्दी वो नाश्ता करती है और वहाँ से भाग जाती है। कहती है ये आयशा की बच्ची, इसको तो मैं शाम को ठीक करती हूँ। और वो बोलती है शर्मा को, उनके ड्राइवर जो होते हैं शर्मा जी आते हैं और हमारी अवयांशी को ऑफिस लेके जाते हैं। तो इस बार जो जो भी ऑकवर्ड सिचुएशन हुआ होता है, हमारी जो अवयांशी होती हैं वो तो चली जाती हैं, मगर रहना उस सिचुएशन में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं खाना खा लेती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती हैं। जाते जाते कहती हैं कि क्या है इनका, इनको इनको बस छेड़ने का मौका मिले, आप तो घर वालों के सामने ऐसी मतलब क्या ज़रूरत थी,
मैं मॉम के सामने दादी के सामने कैसे, ऊपर से दादाजी। शिट यार, ये क्या हो गया आज, इन दोनों का नॉटीनेस चल रहा होता है। वो आव्यांशी फोन लगाती है कि रहना, तो कहती है कि हाँ क्या हुआ, पहुंच गए आप ऑफिस? तो कहती है कि हाँ मैं ऑफिस तो आ गई, मगर तुम ऑफिस कब आओगी? तो कहती है क्या? तो कहती है कि हाँ क्योंकि ये तुम्हारा भी ऑफिस है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। ये मत समझो कि बॉस की बीवी बन गई हो, तुम्हें फ्री में सैलरी मिलेगी, ऐसा टोन काटते हुए फोन रख देती। हाउ डेयर यू, मुझे ऐसे बोला, मैं इनकी तो ना खाट खड़ी कर दूंगी। और तम तमाते हुए किचन से वो बाहर निकलती है। तो जया जी पूछती है कि क्या हुआ रहना? तो कहती हैं कि देखिए ना माँ, इन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो कहती हैं कि तो जाओ, और घर पे भी क्या करोगी, ऑफिस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो, सब लोग सही हैं तो ऑफिस जाओ। तो वो कहते हैं जी माँ, और वो गाड़ी निकालने को बोलते हैं, और वो उस गाड़ी से ऑफिस पहुँचती हैं थोड़े टाइम के बाद ही। और वो जाके अपने डेस्क पे यूं ही बैठती हैं। तो तब तक तो एक रैना उनको कॉल करती है, सॉरी अवयांश उनको कॉल करती है रैना को। और अवयांश जी बोलती है मिस मिसेस रैना सिंह देव कम इन। तो वो जाती है और वो दरवाजे से लगी से जैसे दरवाज़ा बोल वो नॉक करती है, और नॉक करने के बाद दरवाज़ा वो तुरंत खोल देती है। वो खोलते से ही वो उसके कमर से पकड़ के उसको दरवाजे के सहारे लगा देती है। तो कहती है कि ये क्या है? तो कहती है कि ये वही है मैडम। और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं, और एक मौसम बन सा आता है इनके इन हरकतों पे, इनकी मोहब्बत पे। और मोहब्बत तो खैर अवयांशी को होता ही है, मगर उस मोहब्बत में इतनी जुनूनियत नहीं आई होती है कि वो बस खुद को रोक ना पाए, और एक टक एक दूसरे को बेहद प्यार से देखते हैं। और हमारी अवयांशी अपने मन पे, अपने दिल पे, अपने इच्छाओं पे काबू खोने लगती हैं, और वो रहना के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो जैसे ही उनकी किस होने वाली होती है, तब तक दरवाजे पर नॉक होने लगता है, और दोनों का ध्यान अचानक से टूट जाता है, और वो अलग हो जाती हैं। और वो जैसे ही अलग हो के आगे कहती हैं कि सॉरी तुम इधर आ जाओ। उनको कहती हैं कि मैं मेरी चेयर, मैं बैठ जाती हूँ, हाँ कम इन। तो बोलती हैं कि यार मैं इतना अगला क्यों रही हूँ, शिट, कम इन कम इन, कौन है? तो ना तब तक स्नेहा आती है, और स्नेहा यूँ तो कहें कि वो देखी होती है, मगर पहली बार उनको साड़ी में मतलब उस नज़रिए से, उस तरीके से देख रही होती हैं। तो कहती है कि एक नई लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, और वो कोई और लड़की नहीं है, लड्डू है। तो क्या तुम इंटरव्यू लेना चाहोगी? तो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। और कहती हैं कि स्नेहा कहीं और नज़रों को हटा के यदि काम पे फोकस करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा उनको बोलती हैं। तो कहती हैं कि हाँ मैं बस यही बताने आई थी,
और उनको जी भर के नज़रों से ताड़ती हैं और वहाँ से चली जाती हैं स्नेहा। और स्नेहा का ये बिहेवियर, बदला हुआ रूप रंग, ये सब देख के ना हमारी जो नव्यांशी होती है वो परेशान होती हैं। किसी की बातें, किसी की हरकतें जो बर्दाश्त नहीं करती है, जो लड़की जो थोड़े थोड़े चीज़ों में चढ़ जाती है, कोई अव्यांची मतलब रहने की तरफ कोई देखे उसकी आंखें वो निकाल लेती है, ऐसा वाला प्यार, ऐसा जुनून। मगर वो उसकी फ्रेंड होती है फिर भी वो चुप होती है। पर क्यों? क्योंकि वो स्नेहा और रहना दोनों से बेहद प्यार करती है। यदि एक से नाराज़ हो तो दूसरे के बिना वो नहीं रह सकती, ऐसा वाला सीन होता है। सोचती है क्या करें जैसे कि ये सब सब सॉर्ट हो जाए। तो ये सब कोशिश करने को तो वो वक्त दे दी होती है, मगर वो उस वक्त में ना खुद को परेशान कर रही होती है। यूँ अव्यांशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। यूँ तो वो किसी की नज़रें अगर रैना की तरफ उठे, उस आँखों को फोड़ देना चाहते हैं अव्यांशी, जबकि वो स्नेहा की इन हरकतों को तो वो बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो जब जाती है स्नेहा तो रैना पूछती हैं कि लड्डू को या चॉप, मतलब समझे नहीं। तो कहती, अरे आप कोई भी हो सकता है यार, जॉब के लिए आई हैं तो इंटरव्यू लेने में क्या जाता है। तो कहती हैं, ठीक है आप इंटरव्यू ले लो और मैं आती हूँ। आपने कुछ काम के लिए बुलाया था ना? तो क्या? कहती हैं कि मैं बताती हूँ ना काम थोड़ी देर से, ठीक है? तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो सोफे पे, मैं तब तक ले लेती हूँ, देन मैं बताती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। वो बैठ जाती हैं और लड्डू आती हैं बड़े सॉरी अदब और बड़े सहूलियत के साथ। और जब अंदर आती हैं तो गुड मॉर्निंग विश करती हैं दोनों को। तो हमारी रहना तो खुशी के मारे उठ के आके लड्डू को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि तू इंटरव्यू कर ले, फिर देन हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। दीदी, यस ठीक है जल्दी से। तो ऐसा खुश रहना को देख के अभ्यांशी को बहुत अच्छा लगता है और वो बड़े इजी इजी से क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि पहले क्या किया है, अभी क्या करना चाह रहे हो और सैलरी कितना चाहते हो, ये सब चीज़ें बस पूछती है, बाकी वो कुछ पूछती ही नहीं है। तो थोड़ा सा रहना को अटपटा लगता है कि ये जो इंसान एकदम डीप डीप क्वेश्चन पूछने वाला, ये बस ऊपर से फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो कहती हैं कि अच्छा तो आप दोनों का हो गया, तो अब तो थोड़ा टाइम में लंच होने वाला है, तो क्या साथ में लंच करें तीनों? तो कहती हैं अभियान से, बिल्कुल क्यों नहीं। तो कहती हैं कि लड्डू आप भी यहाँ में ज्वाइन कर सकती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो वो रैना के पास चपक के बोलती है कि रैना मैं क्या बोलूँ, जीजू बोलूँ या क्या, यार कंफ्यूजन हो रहा है, ऑफ कोर्स जीजू बोलूँ। तो कहती है हाँ जीजू, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल। तो कहती हैं कि बस ये वन टाइम ऑफ़र है, उसके बाद आप सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय और मैं आपकी बॉस। तो कहती हूँ जी मैं समझ गई। ऐसे हंसते हुए और वो दोनों बैठ जाते हैं तीनों लंच के लिए, और लंच मंगवाती हैं रहना और कहती कि लड्डू घर में सब कैसे हैं और माँ कैसी है? और तो कहती कि आंटी तो ठीक है, अंकल भी ठीक है।
और जय और किशन तो कहती हैं कि वो भी ठीक है। तो कहती हैं कि तू यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्यों? तो वो अभियांशु की तरफ देखने लगती है। तो तू इनके इनके तरफ क्या देख रही है? आपने कुछ खाया क्या? तो कहती नहीं, मैंने क्या कहा, लड्डू तुम्हारी फ्रेंड है, मुझे क्या पता। तो कहती हैं कि तो ये इन लड्डू का काम क्या है? तो कहती है कि वो श्रेया को असिस्टेंट चाहिए था, तो मैंने इसीलिए लड्डू को अपॉइंट किया है, क्योंकि वो काफ़ी वर्कलोड हो जा रहा है ना, तो उसने संभाल नहीं पा रही है, तो इसीलिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसको, मैंने इसीलिए अपॉइंट कर दिया। कहते हैं हाँ ये तो बात है, ये अच्छा है, चलो आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, मुझे रोज़ रोज़ लड्डू से मिलना पड़ेगा, आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा बोलती है। और कहते हैं बस बस खुश हो गई, चलो अब खाना आ गया तो खाना खाते हैं। तो प्यून खाना रखता है, दोनों का तीनों लोग खाते हैं। फिर ये तीनों साथ डिनर सॉरी लंच करने के बाद चली जाती है लड्डू, और कहती कि मैं मिलती हूँ ना, तो वो चली जाती है कल से ज्वाइन करने को बोलती है। और ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, तो कहती हैं कि क्या चल रहा है दिमाग में? तो कहते हैं कुछ नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं चल रहा जैसा सोच रही हो, ठीक है? तो कहती हैं कि अचानक से लड्डू को अपॉइंट कर लिया, और ये सब ये सारी चीज़ें हैं कैसे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब चीज़ें क्यों चेंज हो रही हैं। तो कहती कहाँ चेंज हो रही हैं, कुछ नहीं चेंज हो रहा, रिलैक्स। तो कहती हैं कि अच्छा तुम जाओ देख लो तुम्हारे डेस्क पे कुछ रखा हुआ है। तो कहती क्यों आप यहाँ नहीं दे सकते थे? कहती हैं कि नहीं मुझे पता नहीं था ना कि तुम आ जाओगे, तो इसलिए तुम्हारे डेस्क पे ही रखवा दिया था। तो कहती हैं कि अच्छा बट मैं अब आपसे नाराज़ हूँ। तो जी कहते क्यों? कहते हैं कि क्या बोला आपने कि मैं यदि घर रहूँगी तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो मैं आपकी सैलरी उड़ाऊँगी, अब बोलो। तो कहते हैं अरे मेरी माँ, ठीक है मेरी भी उड़ा लेना, अपनी भी उड़ा लेना, सबकी उड़ा लेना खुश। तो कहते हैं यहाँ तब तक उनको एक कॉल आ जाता है, और उनको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। कहती हैं कि रहना मैं थोड़ी देर से आ रही हूँ, एक मेरी मीटिंग है वो अटेंड करके, क्योंकि जो आने वाला था वो आया नहीं है, तो मुझे उसके होटल जाके मीटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं आ जाऊँगी, ठीक है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है मैं आती हूँ। कहती हैं कि ठीक है, वो हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं, उनके हाथ से उनका हाथ छूटता हुआ चला जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होता है। बाय।